स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में भगवान कृष्ण पर आधारित फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नोएडा फिल्म सिटी की घोषणा के बाद कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में पहली फिल्म एक मासूम सवाल बनने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त शॉट व पूजन के साथ ही फिल्म का फिल्मांकन गुरुकुल मार्ग स्थित श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट में प्रारंभ हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए फिल्म निर्माता संतोष उपाध्याय ने बताया कि यह फिल्म एक बच्ची के श्री कृष्ण के प्रति भाई के प्रेम व सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है। वहीं फिल्म के मुख्य कलाकार नितांशी गोयल ने बताया कि वह कई टीवी सीरियल व फिल्मों में काम कर चुकी हैं और अब वृंदावन में भगवान कृष्ण को भाई के रूप में अपनाकर शूट करने में अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही है। मथुरा संवाददाता ब्रजवीर सिंह जादौन की रिपोर्ट। जी, मैं इस फिल्म में नियति का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि कृष्ण जी को अपना भाई मानती है। एंड आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या रिलेशन होता है और वो किस चीज़ के लिए खड़ी होती है इस फिल्म में। हाँ जी, मैंने करम फलदाता शनि किया है, इश्बाज किया है, थपकी प्यारती किया है, पेशवा बाजीराव किया है। फिर मैंने मूवीज भी बहुत सारी की हैं, MS धोनी, इंदु सरकार। एंड मैंने वेब सीरीज भी की है, पोशंपा, लक्ष्मी सुशील। एंड यस, एंड मेरी अभी दो बॉलीवुड फिल्म भी आ रही है। मैं 3-4 साल से हूँ। अब आपकी उम्र क्या है? मैं 13 साल की हूँ, 13 ईयर्स। ये फिल्म मुख्य रूप से एक छोटी बिटिया के साथ भगवान श्री कृष्ण के भावनात्मक बंधन को दर्शाता है। इसके साथ आधुनिकता को किस तरह से स्पर्श करना है, कैसे एक मॉडर्न लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ती है और हक क्या है, वो बहुत बड़ा रहस्य है। भावनात्मक जोड़ है भगवान और भक्त के बीच में, लेकिन वो चूंकि आज की लड़की है तो बहुत ही मर्यादित और बहुत ही ढंग से वो अपने हक के लिए अपने मुखर होकर के वो लड़ती है और इसी के बीच का द्वंद है। और एक और चीज़ मैं थोड़ा सा रिवील करना चाहूँगा, बाकी तो हम अपने दर्शकों पर छोड़ेंगे। यह मासिक धर्म जैसे गूढ़ विषय को भी लेकर के है जो कि बहुत ज़्यादा रूढ़िगत और परंपरागत चीज़ों को लेकर के जोड़ता है। और भगवान श्री कृष्ण किस तरह से उस बिटिया के साथ भावनात्मक रूप से वो अपने आप को जोड़ती, ये सारी चीज़ें इस फिल्म में बताई गई। कितने दिन तक फिल्म की शूटिंग चलेगी? ये लगभग 32 दिन तक ये फिल्म की शूटिंग यहाँ पर होगी वृंदावन में, पूरी तरह से शुरू से लेकर अंत तक यहीं पर शूटिंग। जो पिक्चर जो है आपकी बना रहे हैं, इसका पूरी शूटिंग वृंदावन में होगी या फिर कहीं बाहर भी होगी? नहीं, पूरी शूटिंग वृंदावन में है। थोड़ा बहुत पार्ट हम लोग यहाँ के कुछ ग्रामीण अंचलों का भी शूट कर रहे हैं, तो गांव के भी कुछ दृश्य हैं इसमें, तो उसके लिए हम लोग गांव में जाएंगे और वहां पर भी कुछ शूटिंग होगी, लेकिन जिला जो क्षेत्र है वो मथुरा वृंदावन ही पूरा। इससे पूर्व भी कोई फिल्म बनाई गई है? नहीं, फिलहाल हमारे प्रोडक्शन हाउस नक्षत्र 27 प्रोडक्शन की तरफ से ये पहली हिंदी फीचर फिल्म। तो योगी जी को जो खोल रहे हैं फिल्म सिटी, उसी की प्रेरणा ली है क्या? देखिए, योगी जी से कई चीज़ें प्रेरणा मिली हैं। इसमें पिक्चर बनाने के लिए बहुत बड़ा आधार पैसे का होता है। माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक फिल्म बंद करके एक डिपार्टमेंट बनाया है, वहाँ से सब्सिडी भी मिलेगी। हम लोग वहाँ पर भी अप्लाई किए हैं, अपनी स्क्रिप्ट वहाँ पर सबमिट किए हैं और उसके लिए जो शर्तें होती हैं कि हमारा मैक्सिमम पार्ट यूपी में ही शूट हो, तो हम लोग पूरी तरह से इसीलिए वृंदावन और मथुरा को ही चुने हैं। और चूंकि हमारे फिल्म की पृष्ठभूमि और पटकथा ऐसी है कि इसी क्षेत्र को वो रिफ्लेक्ट करती है।